जी बताएं। सर मैं सिंधी धर्मशाला के सामने अशोक वासवानी रहता हूं। मेरा मकान का एक रूम लिया हुआ है ये संत कंवर राम मंदिर के जस्ट पीछे। मेरे से आज के 5-7 साल पहले संजय नाम रोहड़ा ने हमसे एक मूर्ति स्थापना करने के लिए जगह मांगी थी, तो मैंने कहा धर्म का काम है, मैंने जगह दे दी थी एक स्तंभ रखने के लिए। लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारा फैलाव कर दिया और उसके बाद उसकी हवस ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि इस मूर्ति रखने से उसको समाज से पैसा कलेक्शन करता है, पूरे सिंधी समाज से, हर शहर से, तो पूरा समाज उसके विरोध में है। इसी मूर्ति के जस्ट बाजू में शाम को दारूखोरी होती है, माताएं बहनें निकल नहीं सकती, और मेरा जस्ट जो मैंने ये रूम लिया है मकान, वहाँ पे कार रखी रहती है, मेरे को कार निकालने में बहुत दिक्कत रहती है, और मैंने कभी आज तक एक बार भी उसको हाँ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी उसने बिना मनमानी से, अच्छा इस बात की पुलिस प्रशासन को भी खबर है, इसके बारे में एक बार वो अरेस्ट भी हो चुका है और जमानत में छूट चुका है संजय नाम रोहड़ा। उसके बाद कलेक्टर महोदय को भी हम लोगों ने विज्ञापन दिया है इसका, उसके बाद भी ये इससे मनमानी करके आज जबरदस्ती अपना पत्रकार कहता है और बेवकूफ़ बनाता है समाज को, और यहाँ पे आके उसने मूर्ति रख दी है। इसको घोर हम लोग कहते हैं कि है तो वो, लेकिन उसके लिए रखना जहाँ भी है सार्वजनिक जगह पे रखे, ना कि किसी के मकान के सामने रखे। जहाँ रखी है वो शासकीय रोड है क्या? रोड तो रोड शासकीय है, लेकिन मकान तो मेरा है ना, पीछे दरवाजा है, वहाँ से कार निकलती है।